हेलो एवरीवन, आज हम फिर से आपके साथ हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक लेके, एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके, और जिसका नाम है ओथेलो। ये हमने लिख दिया है यहाँ पर ओथेलो, और आगे लिखा है द मूर ऑफ वेनिस। ये प्ले है, ये ट्रेजडी है, ये जो फोर ग्रेट ट्रेजडीज हैं विलियम शेक्सपियर की, उनमें से एक है ये फोर ग्रेट ट्रेजडी। में तीन हम पहले पढ़ा चुके हैं, जैसे किंग लियर हमने पढ़ा दिया, मैकबेथ पढ़ा दी है, और हमने हैमलेट भी पढ़ा दिया, और ये लास्ट ट्रेजडी है ओथेलो। तो आज हम ओथेलो पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ओथेलो पढ़ाने से पहले देखिए, ओथेलो का एक नाम है द मूर ऑफ वेनिस, इसके लिए मूर ऑफ वेनिस भी कहते हैं, और इसके लिए 1603 और 4 के बीच में इसको लिखा गया था। अब बात हम ये कहें कि ओथेलो कहाँ से ली गई है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ओथेलो, ओथेलो का सोर्स क्या है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने कोई ना कोई प्ले कहीं ना कहीं से लिया है, तो इसको भी कहां से लिया है, इसका सोर्स है। सोर्स इसका सोर्स क्या है, हिकैटोमिथी, एक बुक का नाम है हिकैटोमिथी, हिकैटोमिथी। अब ये हिकैटोमिथी जो बुक है ये किसने लिखी है, इसको लिखा है बाई सिंथियो ने इसको लिखा है, और कब लिखा है ये भी आप देख लीजिए, 1565 में इसको लिखा गया था। आप देखिए हिकैटोमिथी कंपोज बाई सिंथियो 1565 में जब इस बुक को लिखा गया था, तो विलियम शेक्सपियर ने इस बुक को पढ़ा होगा, और पढ़ने के बाद में एक नई बुक, एक नई ट्रेजडी डिजाइन कर दी, जिसका नाम है ओथेलो। अब ये तो इसका सोर्स हो गया हिकैटोमिथी, ये एक बार एग्जाम में आ भी चुका है कि जो ओथेलो है उसका सोर्स क्या है। अगर हम कहें कि इसकी सेटिंग क्या है, ये जो प्ले है वो कहाँ पर नजर आता है, इसकी पूरी की पूरी स्टोरी कहाँ पर प्ले होती है, तो इसकी जो पूरी स्टोरी है, इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी वी फाइंड वेनिस, माने वेनिस में इसकी कहानी नजर आती है, और कहाँ पर नजर आती है, इन फर्स्ट एक्ट में जो स्टोरी है वो प्ले होती है वेनिस में, एंड सी पोर्ट, इसके बाद में एक सी पोर्ट पर पूरी कहानी प्ले होती है, जिसका नाम होता है साइप्रस, सी पोर्ट इन साइप्रस। ये इसकी सेटिंग है, माने शुरू शुरू में जो कहानी है, जो प्ले होती है, तो वेनिस शहर का जिक्र होता है, और इसके बाद में पूरी की पूरी जो कहानी है वो साइप्रस में प्ले होती है, और वहीं पे पूरी की पूरी स्टोरी एंड हो जाती है। इसके बाद जैसा कि हमें मालूम है हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, इसके बाद हम करेक्टर डिस्कस करेंगे, और करेक्टर्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं करेक्टर्स, माने 6-7 क्वेश्चन जो हैं पीजीटी के एग्जाम में, एलटी के एग्जाम में करेक्टर से रिलेटेड आते हैं, और एक एक करेक्टर मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो सबसे पहले हमारा जो करेक्टर है वो आपको मालूम है कौन सा है, ड्यूक ऑफ वेनिस है, यहाँ पे लिख लो ड्यूक ऑफ वेनिस। देखिए ड्यूक ऑफ वेनिस का नाम नहीं दिया हुआ है, ऐसे ही आपको लर्न करना पड़ेगा, इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी वी फाइंड अ करेक्टर ड्यूक ऑफ वेनिस। अगर कहा जाए कि व्हाट इज द नेम ऑफ ड्यूक ऑफ वेनिस, इट इज अननोन। नेक्स्ट हम करेक्टर देखेंगे, सबसे जो इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो है ओथेलो का। ओथेलो ये क्या है, दी मूर एक हफ्सी है, और ये क्या है, आ जनरल इन वेनिसियन आर्मी। ये ओथेलो है, ओथेलो क्या है, दिमो माने हफ्सी है, जनरल माने जनरल है, माने वेनिस की आर्मी का जनरल है, माने सबसे बड़ा पद है मिलिट्री का, सबसे बड़ा पद जनरल ही तो होता है, आज तो इससे भी बड़ा पद एक बना दिया गया है फील्ड मार्शल का, लेकिन मिलिट्री का सबसे बड़ा पद जो है वो जनरल होता है। ये मूर है, इसकी जो पत्नी है, इसकी पत्नी का नाम है डेस्डेमोना,
देखिए डैश डे मोना, ये इसकी वाइफ है, डेस्डेमोना। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ डेस्डेमोना, डेस्डेमोना के पापा का नाम है ब्राबानसियो, ऐसे लिखते हैं ब्राबानसियो, ब्राबानसियो ये इसके फादर है, किसके, डेस्डेमोना के, आप लिख लो डेस्डेमोनास फादर ब्राबानसियो। इसके बाद में प्यारे बच्चों आपके लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्राबानसियो क्या है, ये सीनेटर है, सेनेटर माना होता है सांसद। देखिए इटली में, इटली में सांसद को सेनेटर कहते हैं, हमारे यहाँ इंडिया में सांसद को एमपी कहते हैं। इन इटली बी काल मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सेनेटर, सांसद को हम सेनेटर कहते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे ब्राबानसियो, ब्राबानसियो के भाई का नाम है ग्रासियानो, ग्रासियानो ऐसे लिखते हैं ग्रासियानो। ये क्या है, ये ब्राबानसियो के ब्रदर है, भाई, ये भाई है। ये भी क्या है, ये सेनेटर है, ये भी सांसद हैं। देखिए बहुत बड़े फैमिली का जिक्र है, सांसद लोग हैं। बहुत ज़्यादा गिल्टलेस होती है, इनोसेंट होती है, भोली भाली होती है, वो कहती है ठीक है हम आपकी जो है सिफारिश करेंगे, आपकी वकालत करेंगे। ओथेलो जब शाम के लिए आता है तो उसकी बहुत ज़्यादा भूरी भूरी तारीफ करती है कि लड़का बहुत अच्छा है, स्मार्ट है, वो वास्तव में लेफ्टिनेंट बनने के लायक है, उसे बना देना दोबारा। अब उधर कैसियो जो है, अब ओथेलो के पास में जाता है, ओथेलो से कहता है कि साहब एक बात सुनिए, तुम्हारी पत्नी का लगाव है कैसियो के साथ में। अरे ओथेलो कहता है कि अभी दो दिन पहले, कुछ दिन पहले जो है मेरी पत्नी ने तारीफ की थी कैसियो की, कहीं ये बात सच तो नहीं है। अब क्या होता है, ओथेलो के दिमाग में आता है कि यागो बिल्कुल सही है। अब वो कहता है कि यागो तुम्हें लेफ्टिनेंट बनाया जाता है। अब यागो कहता है कि अच्छा अब तो मुझे मजा है, यागो को लेफ्टिनेंट प्रमोशन मिल जाता है। अब वो ओथेलो से कहता है कि तुम मुझे मेरी हेल्प करो और भी राज ढूंढने के लिए। वो कहता है साहब पक्का सबूत दूंगा। अब यागो देखिए क्या कहता है, यागो के दिमाग में वो ये जेलेसी भरी हुई कि इसने सबसे पहले मुझे क्यों नहीं बनाया लेफ्टिनेंट, क्योंकि ईर्ष्या तो कभी खत्म नहीं होती है, वो एक शेर नहीं है कि माया मरे, वो माया तृष्णा ना मरी मर मर गए शरीर, तो एक ऐसा ही संस्कृत में है कि ईर्ष्या कभी ख़त्म नहीं होती और जिसके दिमाग में है वो रहेगी। तो यागो के दिमाग में थी शुरू से ही और यागो के दिमाग में अब है, क्योंकि यागो के दिमाग में तो तभी उसको चैन मिलेगा ना जब ओथेलो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। अब वो अपनी पत्नी इमेलिया से कहता है कि इमेलिया ऐसा करो, वो डेस्डेमोना पे वो है एक हैंकी, हैंडकरचीफ है, वो तुम मुझे ला के दे देना। और इमेलिया बहुत ज़्यादा सीधी सादी होती है, वो कहती है ठीक है मैं ले आऊँगी। एक दिन क्या होता है, ओथेलो आता है, ओथेलो जो है बहुत ज़्यादा चिंतित होता है, तो डेस्डेमोना कहती है लाओ मैं हैंकी से तुम्हारा सर दबा दूँ। लेकिन ओथेलो के दिमाग में वो ही चल रहा है कि मेरी पत्नी करेक्टर लूज है, मेरी पत्नी जो है अनफेथफुल है, अनग्रेटफुल है, तो वो हाथ हटा देता है तो रूमाल जो है वो नीचे गिर जाता है और डेस्डेमोना बड़ी चिंतित हो जाती है, वो रूमाल को उठा नहीं पाती है और इमेलिया को भी मिल जाता है। इमेलिया कहती है अरे मेरे पति ने यही तो मंगाया था, लाओ मैं ले चलती हूँ। अब वो रूमाल जो है वो यागो को दे देती है। अब यागो देखो उस हैंकी का क्या करता है, उस हैंडकरचीफ को क्या करता है, वो हैंडकरचीफ जो है उसके कैसियो के बेड पर रख देता है। कैसियो उस हैंडकरचीफ को देखता है, अब वो देखता है, वो कहता है अरे बहुत ही अच्छा हैंडकरचीफ है, ये तो ओथेलो की मम्मी का है, इस पे लीची के जो है डिजाइनिंग है, स्ट्रॉबेरी की डिजाइन बनी हुई है। वो अपनी प्रेम का बियानका से कहता है कि देखो ये हैंकी लेके जाओ और ऐसी ऐसी डिजाइन का हैंकी का ऑर्डर दे दो। अब ओथेलो फिर ओथेलो जो है यागो से फिर कहता है कि बताओ मेरी पत्नी के बारे में कोई न्यूज और दो। यागो कहता है अब सुनो पक्का सबूत, चलो जरा ओथेलो के घर पर, ओथेलो के बेड पर देखो, ओथेलो के बेड पर देखो, ये हैंकी है तुम्हारी पत्नी का ही तो है, इस हैंकी के लिए वो रात में किस करता है और इसको सीने से लगा कर सोता है, ये तुम्हारी पत्नी ने दिया था इसे। अरे ओथेलो के दिमाग में आता अरे भाई ये हैंकी यहाँ पर, अब तो मेरी पत्नी जो है बहुत बड़ी करेक्टर लूज, अब तो मैं मारूंगा ही मारूंगा इसे। अब वो कहता है कि भाई ऐसा करो यागो,
याको कैसियो को तुम मारो, अपनी पत्नी को मैं मारूंगा, दोनों है नालायक। अब याको कहता है साहब ठीक है, कैसियो को हम मार डालेंगे, पत्नी को तुम मार डालो। आप देखिए प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपके लिए समरी बताई थी, ओरल समरी बताई थी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा जो चल रहा है, अब वो हम पढ़ाएंगे एनालिसिस, कि इससे हमारे लिए क्या विश्लेषण मिला और क्या हमारा इसका जो है मेन मेन पॉइंट निकल के आया, इसे हम कहते हैं एनालिसिस माने विश्लेषण। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आया कि इसकी जो है हीरोइन कौन है, तो आपको मालूम है इसकी जो हीरोइन है वो कौन है, डेस्डेमोना। भाई डेस्डेमोना ही तो है, मरने के बाद भी वो कह रही है मेरा पति निर्दोष है, वरना आज की महिला तो शायद मैं समझता हूँ नहीं कहेगी। तो लेकिन ये हीरोइन का ही एक पॉइंट है, कितनी कुर्बानी देती है, कि हीरोइन कौन है, डेस्डेमोना। डेस्डेमोना एक हीरोइन है, और ये भी देखेंगे कि डेस्डेमोना एक डिवोटेड है। अब आप यहां पे लिख दो डेस्डेमोना इज डिवोटेड, डिवोटेड टू हर हस्बैंड। देखिए बच्चों, ये मैंने पॉइंट क्यों लिखा, क्योंकि ये पॉइंट बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा कि डेस्डेमोना जो है किसके लिए जानी जाती है। तो डेस्डेमोना इज डिवोटेड, डेस्डेमोना इज डिवोटेड, डेस्डेमोना इज डिवोटेड टू हर हस्बैंड। या फिर इस तरीके से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, डेस्डेमोना, डेस्डेमोना इज नन, डेस्डेमोना इज नन फॉर डिवोशन, फॉर डिवोशन टू हर हस्बैंड। माने पूरी तरीके से समर्पित थी, मरने के बाद भी वो इमालिया से कह गई कि मेरा पति जो है वो बिल्कुल निर्दोष है, इन्होंने जो मुझे मारा है वो सिर्फ डाउट की वजह से मारा है और गलत फहमी की वजह से मारा है, और वैसे ये मुझे नहीं मारते, वैसे ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो डेस्डेमोना इज नन फॉर डिवोशन टू हर हस्बैंड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें जो फूल है, फूल कौन है, क्लाउन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद क्लाउन है इसमें। अगला हम देखेंगे मैरिज, किसकी शादी किससे हुई, तो इसमें जो है शादी किससे हुई, ओथेलो की शादी हो गई, ओथेलो इज मैरिड टू, ओथेलो की शादी किससे हो जाती है, टू डेस्डेमोना। भले रन अवे मैरिज थी लेकिन शादी तो होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे विलेन कौन है इसमें, गद्दार कौन है, तो गद्दार तो आपको मालूम है अच्छी तरीके से यागो है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हैमर्सिया, हैमर्सिया, हैमर्सिया का मतलब जानते हो, हैमर्सिया का मतलब होता है मौत का कारण। माने ओथेलो की मौत का कारण क्या था, तो ओथेलो की मौत का कारण था जेलेसी, ईर्ष्या, नफरत की वजह से वो जो है मर जाता है। अगला जो हमारा एनालिसिस में पॉइंट आता है कि बॉलीवुड में एक फिल्म बन चुकी है ओथेलो के ऊपर, कौन सी फिल्म बन चुकी है बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म जिसका नाम है ओमकारा, ओमकारा ये फिल्म बन चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट है एसटी कॉलेज ने देखो क्या कहा है, एसटी कॉलेज ने एक सेंटेंस बोला है, कौन सा सेंटेंस बोला है एसटी कॉलेज ने, ओथेलो डिड नॉट किल, डिड नॉट किल डेस्डेमोना इन जेलेसी बट by but in conviction, but in conviction forced
अपॉन हिम बाय यागो। तो एस्टी कॉलरिज ने ये सेंटेंस बोला था कि ओथेलो डिड नॉट किल डेस्डेमोना इन जेलेसी, माने ओथेलो ने डेस्डेमोना को जेलेसी में नहीं मारा था, बट माने किंतु इन कन्विक्शन, माने होता है भरोसे में मारा था, फोर्स्ड माने जो भरोसा जमाया गया था, हिम माने उसके ऊपर, बाई यागो माने होता है यागो के द्वारा, भाई जेलेसी थोड़ी थी बल्कि एक कन्विक्शन माने भरोसा, फोर्स माने होता है भरोसा जमा दिया था उसके ऊपर, बाई यागो माने होता है यागो के द्वारा। तो ये इसका एनालिसिस था। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी एनालिसिस में से क्वेश्चन आया तो इसी में से आ जाएगा, और इसके बाद में जो है आपके लिए जो है 25 क्वेश्चंस हम बताएंगे। माने ओथेलो की पूरी वीडियो अगर आप देख लेते हैं, उसकी थोड़ी सी भी स्टडी करेंगे तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से बनेगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव अ नाइस डे। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम आपके लिए ये 25 क्वेश्चंस पढ़ाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो समय ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पैटर्न इज एम्ब्रॉयडेड ऑन द हैंडकरचीफ, माने कौन सा पैटर्न माना होता है नमूना। बच्चों हिंदी भी समझ लेना ध्यान से, कौन सा नमूना, एम्ब्रॉयडेड मीन्स होता है बना हुआ है, कड़ा हुआ है ऑन द हैंडकरचीफ। तो डायरेक्ट मैं आंसर पकड़ता हूँ, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी जो होती है ना लीची बनी हुई है, मैंने लीची की डिजाइन बनी हुई है उस पर, तो ये डायरेक्ट आप याद कर लो। हाउ द टर्किश फ्लीट थबार्टेड, देखिए हाउ माने किस तरीके से, टर्किश माने होता है टर्किश की, और फ्लीट माने होता है फौज, माने टर्की की फौज किस तरीके से थबार्टेड मीन्स होता है ख़त्म हो जाती है, तो कैसे ख़त्म होती है, तो आपको मालूम है बाई ए स्टॉर्म, माने उसमें क्या हो गया था, तूफान आ गया था समुद्र में। व्हाट रैंक डज कैसियो होल्ड बिफोर ओथेलो स्ट्रिप्स इट फ्रॉम हिम। अब देखिए व्हाट माने कौन सा, रैंक माने पद, कौन सा पद कैसियो होल्ड माने होता रखता था, या कौन सा पद कैसियो रखता है, बिफोर माने पहले ओथेलो ने, स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स मीन्स होता है फीते, स्ट्रिप्स इट फ्रॉम हिम। देखो स्ट्रिप्स फ्रॉम का मतलब होता है फीते उतारना, जब वह उसके फीते उतारता है, क्योंकि उसने मोंटियानो को घायल कर दिया था, जब उसके फीते उतार देता है और कहता है कि आपको जो है सस्पेंड किया जाता है, फीते उतार लेता हूँ मैं आपके, तो इससे पहले वो कौन सा पद रखता था, लेफ्टिनेंट का, लेफ्टिनेंट था वो। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एपिट्रेथ इज नॉट अप्लाइड ओथेलो ड्यूरिंग द प्ले, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग माना होता है कौन सा एनिमल, माना होता है एनिमल का एपिट्रेथ माना होता है नाम, कौन सा जानवर का नाम नहीं अप्लाई किया गया ओथेलो के लिए ड्यूरिंग द प्ले, माना होता है प्ले के दौरान, तो उसके लिए जानते हो क्या है, उसके लिए मेड़ा कहा गया, रैम माना होता है मेड़ा कहा गया, हॉर्स माना होता है घोड़ा कहा गया, सर्वेंट माने सांप कहा गया, या आस माने गधा कहा गया, तो आपको मालूम है उसके माने ओथेलो को सभी तरह की गालियाँ दी गई, उसके लिए रैम भी कहा गया, मेड़ा भी कहा गया, हॉर्स भी कहा गया, गधा भी कहा गया, लेकिन सांप नहीं कहा गया, तो यही जो नाम है वो अप्लाई नहीं किया गया। हाउ ओल्ड इज यागो, यागो जो है कितने वर्ष का है, 28 28 साल इसकी उम्र दिखाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द बीस्ट विद टू बैक्स, व्हाट माने क्या, एज माने है, बीस्ट माने उस जानवर को हम क्या कहते हैं, विद टू बैक्स जिसकी दो पीठ होती हैं, जिसकी दो पीठ होंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, टू पीपल हैविंग सेक्स माने दो लोग, हैविंग सेक्स माने सेक्स करते हुए, तभी तो दो पीठ होंगी, इस तरीके से ये क्वेश्चन इसमें दिया गया है। व्हाट इज ब्रावेंजियोस पोजिशन इन बेनिस, बेनिस में जो है ब्रावेंसियो, ब्रावेंसियो या ब्रावेंजियो की पोजिशन क्या है, वो सीनेटर होते हैं, सांसद होते हैं वहाँ के। वेयर डज, क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर डज यागो टेल रोड्रिगो दैट ओथेलो एंड डेस्डेमोना आर सेलिंग टू फ्रॉम साइप्रस, वेयर माने कहाँ पर, यागो टेल रोड्रिगो, यागो कहाँ पर रोड्रिगो को बताता है कि ओथेलो डेस्डेमोना जो है वो सेल माने होता है समुद्री जहाज से जाने वाले हैं, फ्रॉम साइप्रस, साइप्रस से, वो जगह कौन सी होती है, वो जगह होती है मॉरिटानियो, मॉरिटानियो नाम की एक जगह होती है, वहाँ पर जो है यागो रोड्रिगो को बताता है। नेक्स्ट है, हु मेड द हैंडकरचीफ दैट ओथेलो इनहेरिटेड फ्रॉम हिज मदर, हु माने किसने और मेड माने बनाया, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ को किसने बनाया, डैट माने जो कि ओथेलो
उथैलो ने इनहेरिटेड मानवता प्राप्त किया था फ्रॉम इज मदर मानवता अपनी मम्मी से। तो आपको मालूम है इस हैंडकरचीफ को किसने बनाया और ये हैंडकरचीफ बनाकर किसको दिया गया था? उथैलो की मम्मी को। तो किसने दिया था? एक सिबली नाम की एक जंगली लड़की थी, उसने दिया था। या फीमेल मानवता महिला और प्रॉफिट मीन्स होता है साधु, एक महिला मठ निवासिनी ने इस हैंडकरचीफ को बनाया था। तो इसका आंसर ये है, हु फर्स्ट अट्रैक्टेड डेस्टिमोना टू उथैलो। हु माने वाट माना होता है किसने, फर्स्ट माने सबसे पहले, अट्रैक्टेड माने आकर्षित किया, डेस्टिमोना को, टू उथैलो माने उथैलो के प्रति। तो किसने आकर्षित किया था? द स्टोरी ही टोल्ड, बे कहानियां जो उसने बताई थी अबाउट हिज पास्ट माने अपने पास्ट के बारे में, इन कहानियों ने डेस्टिमोना को बहुत ज्यादा आकर्षित कर लिया था। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट रैंक डज यागो बिग्रजिंगली होल्ड। आप देखो बिग्रजिंगली माना होता है शिकायत करते हुए, कौन सा पद यागो शिकायत करते हुए होल्ड माने रखता है? तो कौन सा पद होता है? एनसाइन का। एनसाइन माने क्या होता है? एनसाइन माना होता है एक सोल्जर, एक सैनिक होता है, एक सैनिक होता है, उसे हम कहते हैं एनसाइन। एनसाइन माने होता है एक सैनिक। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम हुम माने किससे डेस्टिमोना फर्स्ट माने पहली बार हियर माने सुनती है, दिस सॉन्ग ऑफ बिलो बिलो नाम का जो गाना होता है वो किससे सुनती है डेस्टिमोना? ये गाना वो सुनती है हर मदर्स मेड, हर मदर्स मेड, और उस मेड का नाम क्या था? बारबी। उससे ये गाना सबसे पहले उसके मुंह सुनती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिटेट, एपिटेट माने होता है बर्ड, कौन सा शब्द इज मोस्टली कॉमनली अप्लाइड टू यागो, यागो के लिए कौन सा बर्ड सबसे ज्यादा योग होता है थ्रू द प्ले? भाई ऑनेस्ट उसको कहा जाता है बार बार जो है यागो क्या होता है उथैलो के कान भर देता है कि साहब ऐसे नहीं ऐसे, तो उथैलो कहता है अरे भाई तुम तो बहुत ज्यादा ईमानदार हो, हालांकि वो बहुत ज्यादा बेईमान होता है। हुज डेथ माने किसकी मौत, ग्राजियानो रिपोर्ट, रिपोर्ट ग्राजियानो, ग्राजियानो माना होता है ग्रासियानो, रिपोर्ट माने बताते हैं इन दी फाइनल सीन। तो ग्राजियानो उसका भाई क्या बताता है कि मेरे भाई ब्राबेंजियो की मौत हो गई है। विच ऑफ द कैसियोस वीकनेस माने कैसियो की जो वीकनेस क्या थी, जो यागो, जिसको यागो क्या करता है उसका एक्सप्लॉइट करता है, उसका शोषण करता है, वही थी एल्कोहल, शराब पीने वाली। इसके बाद में 16 क्वेश्चन है, हुम डज यागो रेफर एज टू द ट्रू जनरल, हु माने किसके लिए, यागो रेफर माने बताता है, यागो किसको बताता है ट्रू जनरल? वो कहता है कि ट्रू जनरल तो वो है डेस्डेमोना, डेस्डेमोना मेन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ डज उथैलो किल डेस्डेमोना, डेस्डेमोना को जो है वो किस तरीके से मारता है? स्मोथर्स ही माने बह, स्मोथर्स माने होता है तकिया से गला दबा देना हर। तो इसका आंसर ये है, ही स्मोथर्स हर, वह उसका तकिया से गला दबा के मार देता है ताकि खून ना निकले, खून निकलेगा तो उसका खूबसूरत शरीर बेकार हो जाएगा, तो इसलिए उसने सोचा मैं इसको ऐसे मारूंगा कि इसके जिस्म से खून ना निकले। वार्ड अकॉर्डिंग टू यागो, यागो के अनुसार कौन सी चीज इज माने है ग्रीन आइड मोनेस्टर माना होता है हरी आंख वाला राक्षस। तो हरी आंख वाला राक्षस जो है वो किसे कहता है? जेलिसी, ईर्ष्या करने वाले लोगों की आंख ऐसा माना जाता है जैसे हरी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हुम डज कैसियो वुंड इन द ड्रंकन ब्रॉल ऑफ एक्ट सेकंड। तो कैसियो जो है किसके लिए वुंड कर देता है, किसके लिए घायल करता है? आपको मालूम है मोंटेनो को घायल कर देता है। भाई कैसियो वुंड माने घायल कर देता है, ड्रंकन माने होता है ड्रंकन माने शराब की, ब्रॉल माने स्थिति में, और किसे घायल करता है? मोंटेनो को। विद हुम कैसियो डाइन, विद हुम माने किसके साथ कैसियो डाइन माना होता है रात का नाश्ता करता है, ही इज स्टेप माना होता है उसके छुरा लगने से पहले। तो किसके साथ वो नाश्ता करता है? बयान का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज उथैलो होल्डिंग एज ही स्टैंड ओवर द स्लीपिंग डेस्डेमोना। आप देखिए वार्ड माने क्या, उथैलो होल्डिंग माने क्या पकड़े हुए है, तो सीधे सीधे मालूम है आपके लिए क्या पकड़े हुए है, लाइट, हाँ एक टॉर्च पकड़े हुए है, एक लाइट पकड़े हुए है। हुई दे फर्स्ट करेक्टर, सबसे पहला करेक्टर कौन सा है? टू रेफर टू उथैलो बाई नेम,
सबसे पहला करेक्टर कौन सा है? हु माने कौन, इज माने है, सबसे पहला करेक्टर टू रेफर टू ओथेलो बाय नेम, माने ओथेलो को नाम लेकर कौन सा कौन पुकारता है? ड्यूक ही तो पुकारेगा, और कौन उसे कह सकता है उसका नाम, और कौन ले सकता है? अकॉर्डिंग टू लोडोविकोस लेटर, लोडोविको के लेटर के अनुसार हु इज टू रिप्लेस ओथेलो एज द गवर्नर ऑफ साइप्रस, माने साइप्रस का जो गवर्नर है किसे बना दिया जाता है? कैसियो को। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑन द नाइट ऑफ अ डेथ व्हाट डज डेस्डेमोना आस्क इमेलिया टू डू? ऑन द नाइट ऑफ अ डेथ माने होता है, माने उनकी मौत की रात, डेस्डेमोना आस्क माने होता है कहती है इमेलिया से टू डू, वो क्या करने को कहती है? देखिए क्या करने को कहती है, ध्यान से देखेंगे। माने पुट माने रख देना, डेस्डेमोनास बेडिंग, डेस्डेमोना की बेडिंग माने होता है शादी वाली चादर रखना है, ऑन द बेड माने होता है बेड पर, तो ये भी इसका आंसर है भाई। डेस्डेमोना माने जिस दिन जो है उसकी मौत होने वाली होती है, पता नहीं मौत ही उससे कहलवाती है कि मेरी जो शादी वाली चादर है मेरे बेड पर रख देना। व्हाट डज यागो, यागो काउंसिल माने सलाह देता है रोड्रिगो को, टू डू माने होता है करने की, यागो रोड्रिगो को क्या सलाह देता है करने की, वो कहता है क्या करता है, पुट माने रख लो, मनी माने पैसा, इन दाई पर्स माने अपने पर्स में पैसा रख लो, तभी डेस्डेमोना तुम्हें मिल पाएगी। तो प्यारे बच्चों ये 25 क्वेश्चंस थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में। तो अब हम आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट स्पीचेज पढ़ाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अभी हम आपके लिए फेमस स्पीचेज पढ़ा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में अगर कहीं पर भी ओथेलो से स्पीच आती है तो इन्हीं में से आएगी या फिर नहीं आएगी। तो पहली स्पीच है, बहुत इम्पोर्टेंट सी स्पीच है, आई विल बियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव, आई एम नॉट वाट आई एम। तो यागो की स्पीच है, ये एक्ट वन और सीन फर्स्ट से ली गई है। तो देखिए इसकी हिंदी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये लिटरेचर की लाइन है और ये आसान नहीं है। आई विल बियर, बियर मीन्स होता है दबा लेना या छिपा लेना, मैं बियर माना होता है छिपा लूँगी, माई हार्ट माना होता है अपने दिल में मैं छिपा लूँगा, ये यागो कहते हैं। आई विल बियर, बियर मीन्स होता है दबा लेना या छुपा लेना, मैं छुपा लूँगा, माई हार्ट माना होता है मैं अपने दिल में छुपा लूँगा, अपॉन माई स्लीव और आस्तीन में छुपा लूँगा, क्या छुपा लूँगा, अपने मन की बात वो कह रहा है। आई एम मैं हूँ, नॉट माने नहीं, वाट माने जो, आई एम मैं नहीं हूँ, वाट माने जो, आई एम जो मैं हूँ, मैंने जो मैं हूँ वो इस समय नहीं हूँ, मैंने ऊपर से कुछ हूँ, मैं अंदर से कुछ। फिर से सुनिए, आई विल बियर माना होता है मैं छुपा लूँगा, माई हार्ट अपने दिल की बात को छुपा लूँगा, अपॉन माई स्लीव और अपने दिल की बात को अपनी आस्तीन में छुपा लूँगा, आई एम नॉट मैं वो नहीं हूँ, वाट जो, आई एम जो मैं हूँ, मैं जो हूँ वो नहीं हूँ और जो मैं नहीं हूँ वो हूँ। तो नेक्स्ट स्पीच है, दो इन द ट्रेड ऑफ वार आई हैव स्लेन मैन, दो माने हालांकि, इन द ट्रेड, ट्रेड माने यहाँ पर है मैदान, माने युद्ध के मैदान में, आई हैव स्लेन माने कत्ल किए, मैन माने जनता को, युद्ध के मैदान में मैंने जनता को कत्ल किया है, बहुत लोगों को कत्ल किया है। ये भी किसकी स्पीच है, यागो की, एक्ट वन और सीन सेकंड की स्पीच है। यागो की अगली स्पीच और है, रेपुटेशन इज एन आइडियल एंड मोस्ट फॉल्स इम्पोजिशन ऑफ गॉड विदाउट मैरिज, वो कहता है रेपुटेशन माना होता है यस सम्मान, यस और सम्मान ये क्या है, एक झूठापन है, आइडल माना होता है एक झूठापन है, एंड मोस्ट और बहुत ज्यादा, और फॉल्स माना होता है गलत, फॉल्स माने यहाँ पर गलत, और इम्पोजिशन माना होता है ये गलत दिखावा है कि हम तुम्हें सम्मान दे रहे हैं, हम तुम्हें इज्जत दे रहे हैं। ऑफन अक्सर गॉट माने ये मिल जाता है, ये अक्सर मान सम्मान मिल जाता है, विदाउट मैरिट माने होता है बिना गुण वाले लोगों को, विदाउट माने बिना और मैरिट माने क्वालिटी। नेक्स्ट है यागो, फिर से कहता है यागो नहीं, पूरा के पूरे प्ले में यागो ही तो है,
अगला स्पीच की कितनी सुंदर देता है, हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, व्हाट बोन डिड हील, व्हाट बाय डिग्रीज। यागो कहता है हाउ पुअर, ये स्पीच एक दो बार आ भी चुकी है। हाउ पुअर माने होता है कितने, यहाँ पे पुअर का मतलब है मूर्ख, कितने मूर्ख हैं, आर माने हैं, दे माने बोलोग कितने मूर्ख हैं, डैट माने जो, हैव नॉट पेशेंस माने होता है जिनके पास धैर्य नहीं है, व्हाट माने जो, यहाँ पे वाट का मतलब जो, और बुंड माने लगाए जाते हैं, जो जो घाव लगाए जाते हैं, डिड हील मान होता है सही हो जाते हैं, बट बाय डिग्रीज किंतु धीरे धीरे वो सारे घाव सही हो जाते हैं। ओ बीवियर, अरे सावधान रहना, माय लॉर्ड माने मेरे हजूर, सावधान रहना, ऑफ जेलेसी मेरी नफरत से सावधान रहना, इट इज अ ग्रीन आइड मोनेस्टर, ये हरे आंख वाला राक्षस है, ये भी यागो की स्पीच है। और ये देखो बहुत ही सुंदर स्पीच है कि महिला चाहे कैसी भी हो, लेकिन हर महिला चाहती है कि मेरा जो पति है वो राजा बन जाए, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट सी लाइन है, हु वुड नॉट मेक हर हस्बैंड अ कोखोल टू मेक हिम अ मोनार्क। हिमालया की स्पीच है, हु माने कौन, हु वुड नॉट मेक हर हस्बैंड, कौन अपने पति को नहीं बनाना चाहती, आ कोकोल्ड, कोकोल्ड माने होता है निष्ठाहीन महिला, निष्ठाहीन महिला या फिर एक वैश्य, अभी टू मेक माने बनाना चाहती, हिम माने अपने पति को, और मोनार्क माने राजा, एक वैश्य भी ये चाहती कि मेरा पति जो है वो राजा बन जाए। उथैलो, फिर उथैलो यहाँ कहते हैं, इट इज माने ये है बैरी इरर ऑफ द मून, ये चांद ए चंद्रमा ये तेरी गलती है, सी कम्स बेक के वो आ गई है, अब मोर माने ज़्यादा करीब, और नियर द अर्थ माने वो कहता है ए चंद्रमा ये तेरी गलती है कि तेरी वजह से एक खूबसूरत लड़की इस दुनिया में जन्म ली है, माने सी माने बह कम्स माने आ गई है, मोर माने ज़्यादा करीब, नियर दी अर्थ माने पृथ्वी पर, कहने का मतलब वो चंद्रमा पे दोष लगाता है कि तेरी वजह से जो है वो चंद्र तेरा नूर पृथ्वी पर आ गया है, कहने का मतलब तू एक सुंदर लड़की को तूने जन्म दिया है, माने सी माने बह कम्स माने आ गई, मोर माने ज़्यादा करीब, नियर दी अर्थ माने होता है पृथ्वी पर वो आ गई है, पृथ्वी पर उसने जन्म लिया है। दैन माने बल्कि, सी वुडंट उसे नहीं होना चाहिए, उसे नहीं होना चाहिए, मेक्स माने वो कर रही है, मैन माने होता है लोगों को, और मैड माने पागल, उसकी सुंदरता लोगों को पागल बना रही है, वो कहता है इसका दोषी ए चंद्रमा तू है, तेरे नूर से वो पैदा हुई है इस पृथ्वी पर, अब वो लोगों जो लोग उसे देख रहे हैं वो पागल हो जा रहे हैं। उथैलो लास्ट में कहता है आई किस्ड दी, मैं तेरा किस करता हूँ, ईयर माने होता है पहले, आई किल्ड दी मैं तुझे मारने से पहले तेरा किस करता हूँ, नो बे कोई रास्ता ही नहीं है, बट माने सिवाय दिस माने इसके, और इसको इस सिवाय कोई रास्ता ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों जो भी टीजीटी पीजीटी की स्टडी कर रहे हैं, मैंने आपके लिए बहुत ही सुंदर सा प्ले पढ़ाया उथैलो, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत रहती हैं, और पूरा कंप्लीट मैंने पढ़ाया है, इसीलिए प्यारे बच्चों जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इंग्लिश बाई राजू प्रजापति, और एक हमारा चैनल और है आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर, उस पर भी वीडियो देखने को मिलेंगे, लेकिन ये हमारा विशेष चैनल है इंग्लिश बाई राजू प्रजापति, इसको सभी बच्चे जो हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया है आपके लिए। आप ये समझ लीजिए जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वो बच्चे जो है ऑफलाइन पढ़ना बिल्कुल बंद कर देंगे, उनको ऐसा लगेगा कि सारी की सारी वोकैब, सारी की सारी ग्रामर हमारे लिए, सारे के सारे लिटरेरी टर्म्स इतने अच्छे ऑफलाइन भी नहीं हो सकते जितने अच्छे ऑनलाइन हो रहे हैं। और मैंने ये पहले से ऐलान कर रखा है कि आने वाले समय में सुनने में आ रहा है कि अगस्त या सितंबर में एलटी की वैकेंसी आ रही है, जब एलटी की वैकेंसी आएंगी तो मैं आपके लिए जो है पूरी तरीके से कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एलटी का बैच ऑनलाइन पढ़ाऊँगा। और अभी मैंने जो है टीजीटी पीजीटी का बैच बंद किया 30 दिसंबर के लिए, और जैसे ही जो है कहीं पर भी एग्ज़ाम की हलचल मिलती है तो उसमें भी मैं आपके लिए जो है पढ़ाने की कोशिश करूँगा ऑनलाइन, और ऑफलाइन तो हम चलाएंगे ही चलाएंगे। तो प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी, जो भी वीडियो आपके पास आएगी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर होगी, और जब भी आपको समय मिले तो आप उसके लिए देख लीजिए। और आज से हम ग्रामर पढ़ाना भी स्टार्ट कर रहे हैं, और तो सबसे पहले देखिए ग्रामर जो हम पढ़ाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा
डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ाएंगे, जिस तरीके से हमने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा है, एक से एक एक रूल। अभी मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी एक्सरसाइज लेके आया हूँ, और वो एक्सरसाइज मैं नाउन से लेकर लास्ट तक प्रीपोजिशन तक और कंजक्शन तक सारी की सारी एक्सरसाइज मैं आपके लिए अभी डाल रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, करेक्ट इनकरेक्ट हैं। इसके बाद में जो है उसकी पूरी डिटेल बताएंगे, एक एक रूल आपके लिए बताएंगे। तो अगला जो टॉपिक है मैं आपके लिए नाउन पढ़ा रहा हूँ कि नाउन में सेंटेंस को हम करेक्ट कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, लिटरेचर में आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।